खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। मवेशी तस्करी मामले में इस बार सांसद व अभिनेता देव अधिकारी से ईडी की दिल्ली की टीम ने पूछताछ की। दिल्ली में पशु तस्करी मामले में पैसे के लेन देन के लिए उनसे पूछताछ की गयी। ईडी ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। मानसून के आगमन के साथ बरसात के आने से मौसम खुशनुमा हो गया। शुक्रवार को महानगर में काफी तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली गलियों में, यहां तक कि सड़कों पर भी काफी पानी जमा हो गया। मानसून की बरसात से लोग सड़कों पर बारिश में भीगने का मजा लेते हुए दिखे, तो कहीं लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सरकार का निर्देश, 25 तारीख से ही स्कूल आ जाए शिक्षक। शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी। अब केवल एक आधार कार्ड से ही मिल सकेगा लर्नर लाइसेंस। पहले लर्नर लाइसेंस लेने के लिए भी लोगों को घंटों आरटीओ कार्यालय में इंतजार करना पड़ता था। अब परिवहन विभाग में भी काफी कुछ बदल गया है। पहले लर्नर लाइसेंस के लिए भी कई तरह के दस्तावेज जरूरी होते थे, लेकिन अब केवल एक आधार कार्ड से ही लाइसेंस मिल जाएगा। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। जमीन पर कब्जा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में संघर्ष के कारण मोहनपुर इलाके में जमकर बमबारी और फायरिंग की घटना घटी है। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत को देखते हुए उन्हें बर्दवान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानीहाटी के आगरपाड़ा में सड़क की अवस्था बेहद जर्जर हो गई है। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं वरिष्ठ संवाददाता निधि गुप्ता से। मैं खड़ी हूँ पानीहाटी के 8 नंबर वार्ड में, जो कि ये इस वार्ड में कनेक्ट करता है बीटी रोड से लेकर आगरपाड़ा स्टेशन के लिए एक सड़क गई है। यह सड़क जो मैंने दिखाया आपको कि इसकी अवस्था क्या है, अत्यंत दयनीय। पिछले कई सालों से लगता है कि सड़क पर जो है किसी तरह की मरम्मत और कोई तरीके का ध्यान नहीं दिया गया है। स्थिति यह है कि यहाँ पर जो एक स्कूल है, इस रोड से होकर ही एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट जाना ना करते हैं, भारी व्हीकल्स चलते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर एक बस की रूट भी जाती है। बावजूद इसके इस सड़क को लेकर एक अजीब तरीके से जो है उदासीनता प्रशासन की बनी हुई। यहाँ पर अब एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लोगों में एक तरीके से प्रशासन से खुन्नस भी दिखाई दे रही, नाराजगी है कि आखिरकार क्यों इसके प्रति ही इतनी उपेक्षा बनी हुई है। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि उन्होंने 200 बार यहाँ के प्रशासन से आवेदन किया है कि वे इस ओर थोड़ा ध्यान दें। और ज़्यादातर जो बोला जाता है कि सड़क की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 मीटर सड़क है, जिसके बनाने के लिए पता नहीं क्या परेशानियाँ हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर उपेक्षित होने के वजह से कई तरह के परेशानियों का कारण बन चुकी है। हमने दिखाया है कि सड़क की क्या अवस्था है और हमने इसको लेकर के प्रशासन से जब बात की, हमने पानीहाटी पालिका के जो है PWD जो इंचार्ज है, जो CIC है सोमनाथ दे, उनसे बात की, तो उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि अगले 15 दिनों में यहाँ पर जो है इस सड़क के निर्माण का काम शुरू होगा, क्योंकि टेंडर पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को बनाने के लिए जो एक विस्तृत योजना की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ स्कूल है और इस बड़े से नाले को टचना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। यही कई कारण है कि उन्होंने कहा कि एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम के साथ यहाँ पर सड़क जो है बनाने का टेंडर पास हुआ है और संभव है कि 15 दिनों में यह काम शुरू हो जाएगा। एक नज़र डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में राजनीतिक महाभारत के बीच खड़ा हो रहा है यह बड़ा संकट, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। एक नज़र डालते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। टॉपलेस होकर उर्फी ने बदन पर लपेटा बिजली का तार, दिखाया अब तक का सबसे बोल्ड लुक। एक नज़र डालते हैं धर्म से जुड़ी खबरों पर। शनिवार का व्रत बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत को रखने से शनि संबंधित तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान धन किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ऐसे में माना जाता है कि शनिवार को भगवान शनि का पूजा करना काफी लाभदायक होता है। महानगर वो देश दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।